काम ठीक से नहीं कर सकता, पर हमारी सीता कर सकती है। लगता है अभी तक सोकर नहीं उठी। मैं उसे उठा दूं? कोई जरूरत नहीं है। जब तक तू चुगली ना कर ले, तेरा खाना तो क्या पानी भी हजम नहीं होता। रहने दे तू, मैं ही उठाती हूं उसे। सीता, सीता, उठ बेटा। अरे उठ भी जा, क्या हुआ? रोज तो तू मुझसे पहले उठ जाती है, आज क्या हुआ? मत उठ, आज मैं ही जाके रंगोली बना देती हूँ। फिर मत कहना कि मैंने कितनी गंदी रंगोली बनाई है, मुझसे अच्छी रंगोली नहीं बनती। उठ जा, उठ, उठ नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। उठ जा। अरे तू उठ के तैयार कब हुई? कब मतलब बहुत पहले। तू जैसी सुशील बेटी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। चल अब जल्दी उठ वरना देर हो जाएगी। कांता बाई, बाबू दूध लेकर आया क्या? भूल गई। धरती माँ, आज एक नया दिन है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सबको खुश रखूं, ठीक है? सीता आई माँ। अरे संभल के। हाँ हाँ ठीक है, चल फूल तोड़ दे। कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये वाला। ये क्या था? मैं रोज सुबह इसके साथ लुका छिपी खेलती हूँ, आज ये हार गया। पगली, जैसे कि सब जानती है। हाँ तो सीता सब जानती है। ये पेड़ मेरी सास ने उस वक्त लगाया था जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। ये हमेशा खिलता रहता है, इसलिए दुनिया से जाने से पहले नेक काम करके जाना चाहिए। आज तक आपने कितने अच्छे काम किए याद है? बेटा तो इसको दे दिया, अब क्या करेगी ये? बुढ़िया की जान ले लेगी। अरे रामू, मेरे घर जा रहा है। हाँ। रामू मुझे यहीं दे दो। और सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब। नमस्कार शंकर भाई। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर गया था पूजा के लिए, अब घर जा रहा हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा मिलते हैं। हाँ, नमस्कार। सब ठीक है ना? क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सब ठीक है ना? चलता हूँ। सीता। हाँ? ये इनकी बेटी है, आज ये इनकी और इनके घर वालों की जान बन गई है। किसे क्या चाहिए और क्या नहीं ये सब जानती है। साड़ी अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। वीना कहाँ है? हे भगवान, हमारे दिल में हमेशा प्यार का दिया जलाए रखना, हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे।
क्या हुआ? जरा उधर तो देखो, भगवान राम और सीता, इधर मैं और तुम, फिर चिंता की क्या बात है? सुनो, राम जी ने सीता के कंधे पर हाथ नहीं रखा है। हंसते रहो, ऐसे ही हंसते हंसते 30 साल बीत गए है ना। पर हुआ क्या? तो क्या होना चाहिए ये भी मैं ही बताऊं। अगर बच्चों की सही वक्त पे शादी हो जाती तो पोता पोती होते, घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता, कितना अच्छा होता ना। पर बड़ा बेटा तो किसी की सुनता ही नहीं, और छोटा बेटा तो इतना बोलता है कि पूछो मत। क्या होगा पता नहीं। सब अच्छा होगा, बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। कौन सी जिंदगी जिएंगे, अभी तक तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। सर गुड मॉर्निंग। सर क्या गुड है इस मॉर्निंग में? आज जैसा है वैसा कल था, अंग्रेज चले गए, उनके टट्टू छोड़ गए। ए रामू एक चाय ले क्या? ये कंप्यूटर तो ऐसे चला रहा जैसे टाइपराइटर चलाते हैं। छोड़ ना, थोड़ा अकड़ू है, कुछ नहीं कर सकते। तो तुम मुझे सिखाओगे? अगर मैंने अपने हाथ पैर चलाए ना, जो तुम्हें आता है वो भूल जाओगे, समझे? शायद तुझे पता नहीं, आज बॉस की खसक गई है, टाइम को लेके मगजमारी हो रही है। लेकिन इसको क्या होने वाला है, कोई आए या जाए जिंदगी भर इसी ऑफिस में टिका रहेगा। बॉस इसका खास जो है। सर क्या हुआ? बॉस ने बुलाया आपको। तुम लोग यहीं रुको, मैं बॉस की खबर लेके आता हूँ। मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इंडिया में हम टेंशन ले रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैन तुम बहुत चालू चीज है, सीधा क्यों नहीं बोलता कि टीवी बंद करो और काम करो। आ जाओ। आ क्या जाओ, वो तो आ चुका है, बहुत दिनों बाद आया है, इसे जूस पिलाओ, बैठो। कब तक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे? अब तक तो तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी थी। सीधा क्यों नहीं बोलते कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? यही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम ये भी सोचते होगे कि रिश्तेदार होते हुए भी मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। दरअसल मैं जो बोलता नहीं हूँ तुम उसका मतलब खुद ही निकाल लेते। ये गोल गोल बात मत करो, मेरे दिमाग का दही हो रहा है। दही है तो फिर उसकी छाछ निकाल। देखो जो बोलना है सीधे बोलो। ठीक है तो अब सीधे ही बोलता हूँ। 23-24 साल के लड़के आजकल महीने में लाख रुपया कमाते हैं, कभी सोचा है तुम उनकी जगह पर क्यों नहीं हो? ऐसी क्या कमी है तुम में कि तुम नहीं कमा पा रहे हो? तुम्हें तो बस आंखें दिखाना और डराना आता है। पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ, आज तक कभी किसी को ऑफिस में गुड मॉर्निंग बोला? तुम्हें तो बात करने का तरीका ही नहीं आता। देखो एक बात समझ लो, अपने बाप जैसे मत बनो, उन्होंने भी मुंह फट होने की वजह से अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। पता नहीं मेरी बात इसके भेजे में कब घुसेगी। देखो अब तो हमारे पास बेचने को भी कुछ नहीं रहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। गुड मॉर्निंग हो ना हो बस गुड मॉर्निंग बोलते रहो, आपकी इज्जत कर लेता हूँ काफी है, दूसरों की पंचायत मत करो। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, ऊपर लेके जाओगे सब यहीं रह जाएगा। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, ऐसी नौकरी पर लात मारता हूं मैं। हमें यहाँ आए हुए 4 साल हो गए, 400 इंटरव्यू दे चुके हैं, पता नहीं कब जॉब लगेगी। छोड़ ना यार, सिगरेट पीते हैं और टेंशन को धुएं में उड़ाते हैं। ये ले इसे जोड़ के पी ले, पकड़। मार्केट में चल रही है या कैटवॉक कर रही है? दिखने में तो अच्छे घर के शरीफ लड़के लगते हो, पर बदतमीज हो। जब दोस्त ऐसे मवाली हो तो नियत तो बिगड़ ही जाती है ना। ये क्या बात हुई, करे कोई और भरे कोई और। माँ कसम ये मेरा विजयवाड़ा होता ना तो पता नहीं मैं क्या कर डालता। मैं भी विजयवाड़ा की हूँ, वहाँ के लड़के ऐसे नहीं होते। तू ही संभाल उसको। देखो जब तुम 60 साल की हो जाओगे तब तुम याद करोगे कैसे कुछ हैंडसम लड़के तुम्हें पीछे से छेड़ा करते थे। अपनी कुछ मीठी यादों के बदले लड़कों से छेड़ने का हक मत छीनो। जाओ जाओ कॉलेज का टाइम हो गया। लड़की तो अच्छी थी, तुम लोगों को देखकर चुड़ैल बन गई। यार अब भी नौकरी नहीं मिली ना तो मैं भाजी पाव की दुकान खोल लूंगा। यार जो भी नौकरी मिलेगी कर लेंगे, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता। मेरा बाप बोलता है करना है तो कुछ बड़ा करो, मम्मी बोलती है पर जल्दी करो, करो तो क्या करूं। हेलो हेलो क्या हुआ भैया? हेलो आगे तो बोलिए भैया। मैंने आपने मैंने नौकरी छोड़ दी। लग गई बेटा, एक और नौकरी कुर्बान कर दी। नई नौकरी मिल गई है क्या? वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैंने नौकरी छोड़ दी है। आप तो फटाफट फैसले ले लेते हैं, काश मैं भी आप जैसा होता। छोड़ ना, हर बात की एक हद होती है, कब तक गुलामी करता रहूंगा उनकी। करेक्ट है भैया, मारना है तो सीधा जैकपॉट। ये 100-200 की नौकरी करने का क्या फायदा, अब घर चले जाइए, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। आपने बाबा को बता दिया? किसी को कुछ नहीं बताया, सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ और मैं आज ही घर जा रहा हूँ। और बता। आप बताइए। कुछ बोलना,
चलो बाय भैया। ठीक है। कितने अजीब लोग हैं, एकदम ठोंकी। ये भी मेरी बात से सहमत है। ये हैं कमल राव के साहबजादे। लोग इन्हें गुड्डू राजू के नाम से भी बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमल राव कौन है, तो आइए आपको बताते हैं। आज तुम्हारे यहाँ खाने में क्या बन रहा है? ये सवाल इसलिए था ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इनके यहाँ मछली बन रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये बाप बेटे अच्छे हैं या बुरे। छोड़िए ना, ऊपर वाला भी इन्हें धरती पर भेजकर भूल चुका है। सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या बे, रम्मी खेल रहे हो? अच्छा जोकर किसके पास है? क्या कहा, किसको नहीं मिला? कैसे मिलेगा बे, जोकर तो मेरे पास रखा हुआ है। जलेबी खा रहे हो और रस गिरा रहे हो और तुम नजर लगा रहे हो। क्या हुआ, दुबई जाने वाले थे ना, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला क्या? मिला था, मगर मैंने तत्काल में कैंसिल करा दिया। भारत जैसा देश कहाँ मिलेगा, जहाँ मन करे मूत लो, जहाँ मन करे थूक लो। भैया अब सरकार बदल गई है, यहाँ वहाँ मूतना, इधर उधर थूकना, सब पे पेनल्टी हो गई है। अरे भास्कर, ये बहुत टेढ़ा है। पर मेरा है। मेरा साला है साले। क्या भाई, कैसा चल रहा है? अरे जरा इनको देखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। इनको रोता हुआ आदमी देखे तो वो भी हंसने लगेगा। चमचागिरी छोड़कर कमाएगा तो अपने पैसे की जलेबी खाएगा। इनसे रिश्ता तो तू भी जोड़ना चाहता है। तू अपने बेटे की शादी सीता से नहीं करवाना चाहता? मेरा बेटा ढंका होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता? अब तक उसकी सीता से शादी करवा चुका होता। अरे भास्कर, क्या कहा, सीता को तू भी बहू बनाना चाहता है? सपने देखना छोड़, सीता बिटिया की शादी प्रकाश के बड़े बेटे से ही होगी। बचपन में ही अनाथ होने के कारण प्रकाश ने उसे बेटी की तरह पाला, इसलिए ये शादी तो होकर ही रहेगी। माँ को तो किसी तरह से समझा लेंगे, पर बाप को कौन समझाएगा? मेरा बाप आएगा और विजयवाड़ा में, वहाँ तो कोई फूटे मुंह भी उससे बात नहीं करता। ये शादी नहीं होगी। अरे प्रकाश भाई, अरे इधर आ जाओ, कर्जा नहीं मांगूंगा। ए भास्कर राव, तुझसे बड़ा मक्कार मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तुझसे तो बहुत ही भला आदमी है वो। अरे सीता, ये वेंकटेश अपने कपड़े को ज्यादा ही गंदे करता है। ए, वो अपनी जेब से अक्सर पैसे निकालना भूल जाते हैं, खुद मत रख लेना। अच्छा, जैसे वेंकटेश अपनी जेब में लाखों रुपए लेके घूमता है। घूमेगा, लाखों नहीं करोड़ों लेकर घूमेगा। पता नहीं कब वो दिन आएगा, उसी दिन का तो इंतजार है। उसकी शादी कर दो ना, उसकी बीवी ही आकर उसे सुधारेगी। अरे हमने मना किया क्या? लेकिन पहले हम बहन की शादी करेंगे जो शहर में पड़ रही है, फिर वेंकटेश की, और वेंकटेश के मंडप में ही महेश की भी निपटा देंगे। वेंकटेश के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सीता है ना। रहने दो, मैं नहीं करूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं। जब देखो मुझे हे कह के बुलाते हैं, नाम लेकर भी बुला सकते हैं ना। जिस दिन सीता कहकर बुलाएंगे ना, उस दिन सोचूंगी। ए! आई। क्या है? ए, बोलना क्या हुआ? बालों में गजरा, नई साड़ी, को त्योहार है क्या? चल निकल। चाचा जी, एक खुशखबरी है, उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी। तुझे कैसे पता? क्यों नहीं होगा, सीता सब जानती है। ए सीता, तू भी बैठ, बैठ यहाँ। अच्छा सुनो, हाँ? कल माँ लक्ष्मी देवी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने हमारे बच्चों को सोने के बर्तन दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया और कहा अपने बच्चों के भाग जाग जाएंगे। सच कह रही हूँ? जरूर जाग जाएंगे। इनको बोल के कोई फायदा नहीं। अरे कांता भाई। अरे दीदी, ये वेंकटेश सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वेंकटेश रुको बेटा, जरा चाय नाश्ता तो करके जाओ। वेंकटेश कहाँ गया? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? हाँ यहीं खड़ी कर देना। हाँ
क्या रे मेरे पैसे कब देगा? हाँ कॉलर छोड़, पहले पैसे दे फिर छोड़ूंगा। अगर नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू? क्यों बे, क्या हो रहा है? इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार पैसों के साथ मिलना। कैसे हो भाई? साला गुड्डू राजू का दोस्त था, जुआ खेलने के लिए पैसे लिए और अभी तक दिया नहीं। अरे 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 क्या हो रहा है? कुछ शर्म है या बेच के खा गए? छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं और तुम लोग यहाँ जुआ खेल रहे हो? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? चलो चलो यहाँ से। नहीं गए तो पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगा। क्या कहा? पुलिस कंप्लेंट करेगा? ये ऊपर जो कौवे काव काव कर रहे हैं इनकी कंप्लेंट की क्या? वो जो मालगाड़ी जा रही है वो इतनी आवाज निकलती उसकी कंप्लेंट की क्या? यहाँ टाइम पास करने वाले हम अकेले हैं क्या? बाकी सब टपुरियों को यहाँ से दफा करो, फिर हम भी दफा हो जाएंगे। निकल लो, निकल लो, बेटे यही रहना, जाना नहीं है। अरे गुड्डू राजू, वो वेंकटेश आया। बूढ़े ने बीच में आके तीन पत्ती की बत्ती बना ली। वापस से पत्ती को भी देना पत्ती। ये कब आया? परसों। परसों देख, अभी जोर का झटका जोर से देख आता हूँ। वेंकटेश, वो देख गुड्डू राजू यहीं आ रहा है। क्या रे, फिर नौकरी छूट गई? तो खुद आया या उन्होंने धक्का मार के भेज दिया? नौकरी तेरे बस की बात नहीं, छोकरी पटा और शादी मना ले। दहेज में जो पैसे मिलेंगे उससे हमारे साथ पत्ते खेल लेना। ओ ढीले, जबान को लगाम दे। जिस दिन मुझे 1 लाख की नौकरी मिल गई ना, तो तू और तेरा बाप जल भुनकर कबाब हो जाओगे। अपनी शक्ल देखी आईने में? कोई साला चपरासी की नौकरी नहीं देगा तुझे। चले गल। अरे जाओ, कोई इस कछुआ छाप को घर छोड़ कर आओ। अब चले जाऊंगा। निकल जुआरी। दो पैसे की अकल नहीं, 1 पैसे की शक्ल नहीं। बड़ा गॉगल पहन के स्टाइल। सुनो दोस्तों, हाँ? जिंदगी में ऊपर जाना इसे कहते हैं। ओहो, अब चलो उठो, जितना ऊपर जाना था चले गए। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। आजकल चारों तरफ बस तुम्हारा ही फेस नजर आता है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें कामयाब बनाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर, बिल गेट्स, न जाने कितने लोग इन जैसा बनना चाहते होंगे। उनका भी सपना होगा कि उन्हें खूबसूरत बीवी मिले। इसलिए कहती हूँ, एक्सेप्ट मी, मेरा हाथ थाम लो। तुम्हें हाँ समझूं? भारतीय नारी, भारतीय नारी चोटी मॉडर्न होने के लिए त्याग दी, अब तुम गजरा कहाँ लगाओगे? गजरे की खुशबू के बिना अपने पति को प्यार में कैद कैसे करोगी? क्या यार, सारे मूड की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। सुनो भाई ऊपर वाले, इस लड़की को अमेरिका भेजो और यहाँ कोई नया मॉडल। जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे पति बनाने वाली। ये घर विजयवाड़ा वालों का है और ये हैं इनकी बेटियां। ये लड़कियां अब तक सो रही हैं। गीता उठो, 11:05 हो गए, उठना नहीं है। स्कूल की छुट्टी है तो क्या इतनी देर तक सोएगी? उठ जा। कल जब ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे करेगी? चल उठ जा। मुझे तो दो ही चीजों का शौक है, एक तो सोने का और दूसरा अच्छा पति पाने का। बहुत अच्छा, तेरी बहन की शादी होने वाली है, उसी भीड़ में कोई ढूंढ के तेरी भी शादी कर दूंगी। मुझे तो राजकुमार चाहिए, कोई ऐसा वैसा नहीं। सेठ जी, सेठ जी, आपने मुझे याद किया और देखिए मैं आ गया। आ गया हूँ तो शादी का एक भी मंत्र मिस नहीं करूंगा, और वैजाग से भी लोग आ गए हैं। वाह, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन क्या फायदा, कल तुम सगाई में नहीं आए। वो मैं बहुत बिजी रहता है ना, इधर की उधर लगाने में। क्यों, सही है ना? 17 आने सच बोला, बिल्कुल सही है। इधर की उधर लगाना कोई आसान बात है क्या?
तुम भी ना। ये लो अंदर रख दो। सीता कैसी है भास्कर राव? सीता बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। असल में वो गीता की बहन है ना, इसलिए। वो भी तुम्हारी तरह शरारती है। तुम्हारी बहन जो है, इधर तुम उछलती हो उधर वो कूदती है। इस बात पे थोड़ा मीठा हो जाए। सीता बहुत प्यारी है, उसके जैसा कोई नहीं। बस उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी कर देनी चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन वो प्रकाश उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करना चाहता है, वही बेटा जिससे नौकरी हमेशा दूर भागती है। डर है कि सीता से शादी के बाद क्या वो ढोल बजाएगा। शादी के बाद तो सीता बेटी मर ही जाएगी। अरे अरे अरे, वो कभी नहीं सुधरने वाले। उनके पास जीने का सलीका है ही नहीं। अब देखो ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, और वो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। अरे पेपर उठाओ तो रोज करोड़ों के गफले पढ़ने को मिलेंगे। अब उनको कौन समझाने जाए कि पैसा ही सब कुछ है। पता नहीं इन लोगों को कैसी घमंड और अकड़ है, वो भी पैसे के बिना। ऐसी बात है तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए था। ऐसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ के कोई फायदा नहीं होता। मैंने कितना समझाया था, भैया माने ही नहीं। अब भैया और भाभी चले गए दुनिया से, बेचारी सीता को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ा भी पैसा होता तो सीता की ये हालत नहीं होती। मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। सुनिए जी, प्रकाश भैया को भी शादी का कार्ड भेज रहे हो ना? हाँ, अगर कार्ड ज्यादा छपे हैं तो भेज दो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, तू लेते जाना। हाँ। सीता आई। आराम से आराम से। किसकी शादी का निमंत्रण है? कार्ड तो महंगा लगता है, कितने का होगा? आपको पता है ना कार्ड किसने भेजा है, फिर भी चाची को तंग कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं बहरी हूँ? मुझे सब पता है कार्ड कहाँ से आया है। ये सब फिजूल खर्ची है। बढ़िया है, पैसे का जोर दिखाने वाले मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। क्या हम यूं ही चले जाएंगे? चाची, आपको इसलिए बुरा लग रहा है ना कि वहाँ जश्न मनाया जाएगा और यहाँ नहीं? तुम ये कैसे कह सकती हो? क्यों नहीं, मैं सीता हूँ, सीता सब जानती है। क्या जानती है तू? बता ना, तू छोटी सी थी तब तेरे माँ बाप चल बसे, तब भी उन्होंने तुझे अपने घर में नहीं रखा, हमारे भरोसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं किया उन्होंने, जब वेंकटेश के कॉलेज एडमिशन के लिए हमने उनसे कहा तो उन्होंने बहाना बनाकर उसका एडमिशन नहीं करवाया। ऐसा कोई अपनों के साथ करता है? उन्होंने कभी हमें अपना नहीं समझा। अगर कभी उनके घर चले जाओ तो बस घूरते रहते हैं, इसने क्या पहना है, कैसे गहने पहने, ऐसा कोई करता है क्या? वेंकटेश, वेंकटेश, ये लो, इन्हीं की कमी थी, जाके कार्ड दे दो हाथ में। अरे तुम यहाँ बैठो भाई, शादी के लिए विजयवाड़ा जाना होगा। किसकी शादी? किसकी मतलब, रिश्तेदारों की है, जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जाना ही पड़ेगा। मैं चला जाता लेकिन मुझे शहर जाके तुम्हारी बहन को हॉस्टल से लाना है, और वैसे भी वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ समझे? आप जानते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर क्यों जिद कर रहे हैं? वैसे भी वो लोग बहुत अकड़ू हैं, मुझे नहीं रखना उनके साथ कोई रिश्ता। अरे ऐसे कहने से रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है, 4 दिन की जिंदगी में क्या बहर पालना। हा? इनको अकेला भेज दिया ना तो बेकार में ही इनसे तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं भी इनके साथ जाती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। ए। मैं नहीं जाऊंगा। देखा आपने, आखिर मेरा ही बेटा है, इसने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। अरे बैठो तो सही, ये नहीं गया तो क्या हुआ, महेश को भेज देना। बिल्कुल सही कहा, वो एक पैर पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक मिनट सुनो, क्या हुआ? तुम बहुत हॉट लग रहे हो। आजकल के बच्चे भी कम नहीं है। क्या बात है, लगता है पूरा गांव स्टेज के ऊपर चढ़ा है, ऊपर कोई जगह ही नहीं बची। तेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अरे शादी वादी तो होती रहेगी, खाने का टेबल लग गया है, चलो चल के खाना खाते हैं। तुम्हारा
बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो घर के ही हो, चलो आओ। मम्मी पापा नहीं आए? कोई बात नहीं, मुझे पता था नहीं आएंगे, तुम तो आ गए ना, आओ। शांत हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, प्रकाश का बेटा बिल्कुल हैंडसम और हीरो जैसा दिखता है, यही है वो। सुनना, मैं इसी की बात कर रही थी। बैठो। तुम क्या हैदराबाद में रहते हो? हाँ। तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं? तेरी दादी और मैं बचपन में एक साथ खेला करते थे। तुम्हारी दादी जितनी सुंदर थी उतने सुंदर तुम नहीं हो। ये क्या, इससे गप्पे ही मारते रहोगे या फिर इसे खाना भी खिलाओगे? मैं खिलाऊंगी। ए तू बैठ, हम लोगों को अभी बहुत टाइम है, अभी तो सीनियर्स का टाइम है। रूबी ठीक है मैं जाती हूँ। मैं मॉडल कॉलेज से और मैं मॉडलिंग का कोर्स कर रही हूँ। मुझे गाना गाने का शौक है और मैं डांस भी कर लेती हूँ। एक बात तो मैं भूल ही गई, मैं नूडल्स भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, किसी दिन तुम्हें भी खिलाऊंगी। और भी बहुत कुछ आता है। हाँ अगर तुम एक और मिनट यहाँ रुकी ना तो मैं तुम्हें जोर से किस कर लूंगा। आई बड़ी। हंसा मत, बहुत अकड़ू है, इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। तू चुप, मुझे तो अकड़ू ही पसंद है। मैं उसकी अकड़ निकालूंगी, अब क्वीन गीता का जादू चलेगा। तुम लोग मुझे ऑल द बेस्ट कहो। सुनो एक सिगरेट देना। माचिस क्या घर से लाऊं? चल यार। हेलो मिस्टर। सिगरेट। मेरा नाम है गीता। आ गई बायोडेटा देने। सिगरेट दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आया, बस सिगरेट पीने आया। बातें बनाने में तो तुम उस्ताद हो। क्या यार गोपाल बख्शी, ये कौन है? मेरी तरह हैंडसम है, होगा यहीं कहीं। जब कोई हसीन लड़की उससे बात करती है तो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तुम्हें अचानक उसकी याद क्यों आ गई? एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसी लग रही हूँ? बताओ ना। अंकल बहुत पीली, घर जाओ। तुमने उसे यहाँ से भगा दिया, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। तुम चाहती हो मैं कुछ करूँ? ची ची ची, मैंने ऐसा कब कहा, कुछ भी मत बोलो ना। तो कह दो मुझ पर फिदा हो गई हो, मेरा भी कुछ यही हाल है। जाओ वरना फोटो खींच लेगी। जाओ। पसंद की लड़की सामने आ जाए तो कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है आज पता चला। सुनो। हेलो ओ ब्लू शर्ट, तुम अपना सेलफोन भूल गए? जानबूझ के भूला था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। ओ पता है रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। क्यों? तुम्हें देखते देखते सुबह हो गई। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था, आजकल लड़कियां दो मिनट के अंदर ही फिदा हो जाती हैं। इसका सिर्फ राइट प्रोफाइल देखा है, लेफ्ट भी देखना पड़ेगा। नहीं राइट ही ठीक है। ये देखो ये हीरो फिर से शुरू हो गया। ये क्या कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सेल नंबर दे दो।
डैडी का नंबर है, मेरे पास फोन नहीं है। तो डैडी को ही ट्रेन में भेजती, तुम क्यों आ गई? चलो एड्रेस ही दे दो। यहाँ से राइट लेके लेफ्ट ले लेना, वही ऑटो स्टैंड है। बेचारी को ऑटो स्टैंड जाना था तो मैंने रास्ता बताया। अटक बंद कर, मुझे मालूम है तो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। बहुत तेज हो गए भैया, मेरी संगत का असर है। चल छोड़ ना, बातें करना को तुझसे सीखे। आपके दोस्त काम वाम करते हैं या बेरोजगार हैं? वही ढाक के तीन पात हैं। कहाँ वो लोग? वही बैठे होंगे बाहर कहीं। सुन कांता, उन दोनों को घर में मत आने देना। माँ रुको, आ रही हूँ मैं, वही रुको, अंदर मत आना। माँ मना किया था ना, आ ही गए ना। तू तो बड़ा है, तू तो समझा सकता था ना, और इसको तो कुछ अकल ही नहीं। इसको कोई नजर नहीं लगेगी। तू चुप रहे, ये सब तू नहीं समझेगा। बुरी नजर लग जाए तो पत्थर को भी तोड़ देती है, समझा? हो गया माँ, थूको भैया। तू ही थूक। अरे रे रे, छोड़, उसकी भी नजर उतारनी है। कैसी है बुढ़िया? आ गया। गया ही कब था? अच्छा छोड़ ना। अरे पतली हो गई है, खाना नहीं ठूस रही। तेरी फिक्र जो रहती है। अच्छा, तू एंटिक पीस नहीं, डेंजर पीस हो गई है। तो छोड़ छोड़ छोड़, नहीं तो तेरी माँ को बोल दूंगी। माँ को क्या बोलोगी, माँ सब जानती है। ये छोटा भी ना। लाओ सामान मुझे दो बेटा। चाचा जी आप यहाँ कैसे? सासू माँ ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ऊपर वाले की माया देखो, मैं शादी में नहीं पहुँच पाया तो उसने आप सबसे ट्रेन में मिलवा दिया। आप दोनों की किस्मत अच्छी है कि शालिनी जैसी बहू मिली, और शालिनी की किस्मत अच्छी है कि आप जैसे सास ससुर मिले, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे भारतीय रेल की वजह से आप जैसे अच्छे लोग मिल गए। चाचा जी को सब लोग अच्छे ही नजर आते हैं, क्योंकि चाचा जी खुद बहुत अच्छे हैं। कहाँ काम करते हो बेटा? साउंड एंड विजन। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनिए जी, ये लड़की बहुत सुशील है, हमारे बेटे के लिए कैसी रहेगी? पापा आप दो मिनट बैठेंगे? क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ? बहुत जरूरी बात है। आते वक्त ट्रेन में प्रकाश अंकल मिले थे, उनकी बेटी मेरे सास ससुर को बहुत पसंद आई। सिर्फ पसंद ही नहीं आई, वो रिश्ता भी जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं यूएस जा रही हूँ इसलिए उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो रिश्ते की बात आप ही को करनी होगी, सब कुछ आप ही को संभालना होगा। एक और बात, इस रिश्ते के लिए देर मत कीजिएगा, गड़बड़ तो नहीं होगी ना? बाकी मैं आके देख लूंगी। वाह रे वाह, तेरे ससुराल वाले, उन लोगों को पूरी दुनिया में दूसरा कोई रिश्ता ही नहीं मिला क्या? और तुझे क्या लगता है, तेरे ससुराल वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं क्या? दिमाग घूम गया है उन लोगों का। तुझे पता है रात को सोते हैं तो पता नहीं होता सुबह खाएंगे क्या, और सुबह सोचते हैं कि कमाएंगे क्या। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। अगर धरती भी उल्टा घूमना शुरू कर दे ना, तो भी उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे। उनके चक्कर में हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। इतना पढ़ लिख के तू भी अनाड़ी की तरह बात कर रही है। आप भी पापा, वो लोग कैसे भी हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। आप लोग ही बताइए मैं क्या गलत बोल रही हूँ। तुम चुप क्यों हो गीता, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं तो एक बात जानती हूँ, रिश्ता जोड़ने से पराये भी अपने हो जाते हैं। पापा अगर उससे इतना चिढ़ते हैं तो मेरा क्या होगा? दादी टीवी पर देखो, एंटिक पीस कैसे बढ़िया गाना गा रही है, और एक आप हो बस खा रही हो और फूल रही हो। आपको भी ऐसा गाना सीखना होगा। बस अब यही बाकी था, भगवान इनको बुद्धि दो। मुझे गाने को कहता है, खुद फालतू घूमता है। भैया ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाला। महेश बेटा ये ले तेरी कॉफी। क्या ताली मारने से आ जाएगा, खुद उठ और ले ले। देखती जाओ। समझ गई बाबा समझ गई, दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। धन्य हो तुम लोग, तुम जैसा आलसी नहीं देखा। इस हाथ में 12 चूड़ियां थी और इस हाथ में 18, सब तुम्हारे दादा ने बेच दी। सोचा था तुम लोग कमाकर फिर बनवा दोगे, लेकिन एक टीवी देखता है और दूसरा आवारा है। ज्यादा बोला तो मार के लाश अलमारी में छुपा दूंगा। आहा, सपने देखना बंद कर, तूने मार दिया ना तो इस घर में भूत बनकर भटकूंगी। बहुत बोल रही है, अभी दिखा। आप बताती हूँ। छोड़ छोड़। Excuse me, who is in the home? I'm asking who is in the home? क्यों बे इंग्लिश, हिंदी नहीं आती क्या? आती है। अच्छा ये बताओ घर में कितने लोग हैं? क्यों बे? सेंसस डिपार्टमेंट से हूँ। कितने लोगों का सेंसस किया? आज धंधे का पहला दिन है, शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। हटो देखने दो। आंखें मत फाड़, मैं बताता हूँ। ठीक है। वो देख, वो मोटी बुढ़िया दिख रही है। बुढ़िया का नाम बोलो। चुप बे, बुढ़िया सिर्फ मैं बोल सकता हूँ।
उसने सुन लिया तो बहुत मारेगी, दीवार में चुनवा देगी। समझ गया, आप ही बोलो वरना पहला दिन आखिरी दिन हो जाएगा। मेरे पिता, माँ, बहन और मेरे भैया, टोटल 6 हैं। आपको मुबारक हो सर, 6 मेरा लकी नंबर है। हाथ चेक करो सर। पहले हाथ धो के चल। कितने लोग रहते हैं? अरे इसे भूल गया, इस घर में कितने लोग रहते हैं? कहाँ चला गया वो? अरे बताओ ना कितने लोग रहते हैं? यहीं कहीं होगा, मैं बुलाता हूँ। वो गया तेल लेने, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? जानबूझ के भूला था। तुम जानबूझ के मुझे भूल गए, मुझे पता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मतलब जानबूझ के नहीं भूला? आप झूठ बोल रहे हो, ये गलत है। मुझे कोई भी इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता। फिर शुरू हो गया। आप भी मुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं मानते। ए, क्या चल रहा है? अब ये पापा को बता देगी। मर गए। क्या हुआ, तू नहीं सुधरेगा है ना, हमेशा उसे परेशान करता है। वीना, ये रोना तो ना किस लिए? यहाँ कोई भी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं मानता। सेंसस में मेरा नाम भी नहीं डाला इसने। किसने? एक ही तो है। हाँ? छोटे ने या बड़े ने? यहाँ कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं हूँ ना, चलो यहाँ आओ। चलो जरा आईने में अपनी शक्ल देखो, जरा देखो तो सही, रोते हुए कैसी दिखती हो तुम? नहीं देखना। किसी के कुछ बोलने से क्या तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी? सुन लो, ये सीता का घर है, ठीक है ना? अब तू चाहे जिसे इस घर में रखे, जिसे चाहे निकाल दे, समझी? ठीक है। अरे जरा आईना देख। बस आप ही मुझसे प्यार करते हैं और कोई नहीं करता। यार अगर आज मैं हार गया ना तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अबे नौबत ही नहीं आएगी, चल चल पत्ते डाल। बस हो गया, मैं नहीं खेलता। अरे क्या हो गया तुझे, क्यों नहीं खेल रहा है? तो कर डालना, करके आ जाना। तुम लोग में से किसी को आई है तो टाइपर बनते हैं। उधर देखो, तुम लोग को भी आ जाएगी। ए ए पुलिस पुलिस, अरे बाप रे, चल भाग रे। अबे पुलिस आ गई, पकड़ लिया तो जेल में चल। ये लो ऐश करो। अरे इधर आ। क्यों रे, पुलिस को देखकर तुम लोग क्यों नहीं भागे? हम क्यों भागे सर, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। माना कि कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ गलत करने का चार्ज लगाकर अंदर कर दूं तो? तब हम आपको गलत बोलेंगे। क्या हुआ सर, आपने से मारा क्यों? तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? सूर्यकांत जी। हाँ? सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी, तू नहीं उठेगा? इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ लेकिन तू कुछ बोल नहीं रहा। हे, तेरे बाप का नाम क्या है और वो करता क्या है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बोलना। मैंने कुछ गलत किया हो तो जेल में बंद कर दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। तेरा भी तो बाप होगा ना, उसकी कोई इज्जत ना करे तो बुरा लगेगा या नहीं? बोल, तो हमें क्यों नहीं लगेगा? प्रकाश भाई, आपके बेटे ने पुलिस पर हाथ उठा दिया। पर क्यों उठाया? आपके बारे में कुछ कहा था, उसने रख के दे दिया। क्या? बाप के बारे में कुछ कहा, चाटा मार दिया। बाप के बारे में बोला था, थप्पड़ लगा दिया। तू जा, ये वेंकटेश भी ना। अरे क्या लफड़ा कर रहा है यार? ए, मेरे पत्ते क्यों देख रहा है? मैं तो नहीं देख रहा हूँ। क्या यार, कुछ भी बोलता है तू। ये साला कब आया? भैया को देखा तूने? वो अभी इधर गया है। कितना फोन कर दिया ये। हाँ सुरेखा। सुरेखा, ये कौन है? है कोई, तुम सभी खूबसूरत, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? जलन? और मुझे? ऐसा हो ही नहीं सकता। काश झूठ मूठ का ही हाँ कह देती, अभी दिल निकाल के तुम्हारे एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करवा देता। ए, ये फोन पर किसी के साथ लगा हुआ है? तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे एरिया के सारे लड़के मेरे पीछे दीवाने हैं। पागल है वो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनसे कहो कहीं और ट्राई करें, तुम्हारी सारी लाइनें व्यस्त हैं। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक लड़का जलकर कबाब हो गया। ये तो मुझसे भी चालू है। कौन लड़का? ये वाला। कौन सा वाला? फोन वाला, फोन वाला, फोन वाला। जाके उसके कान के पास चला गया। वो छिछोरी हरकत मैं नहीं करता, तू ही जा। पता था तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं हंसूंगा और तुम लोग मेरे साथ हंसना। ठीक है। अबे तू रो रहा है कि हंस रहा है? अबे हंसो ना बे। तुम्हारी दादी और मेरी दादी बचपन की दोस्त हैं, मतलब दोस्ती हमारे खानदान में लिखी है। तुम्हारा और मेरा तो जन्मों जन्मों का साथ है, इस जन्म से शुरू कर देते हैं।
जल्दी बोलो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्योंकि तुम्हारी जगह लेने के लिए कई लड़कियां बेकरार हैं। यही बातें तो पागल बनाती हैं। बातें नहीं, मैं खुद भी पागल हूँ। चलो फोन काटो। मैं फोन नहीं काटूंगी। नो। हेलो। फोन काट के पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, अकड़ू कहीं का सड़ेला। फोन काट दिया। वो इधर ही आ रहा है, क्यों छेड़ रहा था उसे? आने देना, कौन डरता है, तुम लोग फट्टू अबे। क्या गुड्डू, उसको बात भी नहीं करने दिया, दिल तोड़ दिया बेचारे का। घर जा रहा है, जाने देना, लफड़ा मत कर, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। आइटम से बात कर रहा था क्या? सही है, बड़े वाले ने घर पे एक रखी हुई है और छोटा वाला फोन पे एक को घुमा रहा है। मैं क्यों चुप रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, डरू क्यों? पागल हो गया क्या? क्या यार गुड्डू, बॉडी बढ़ गई लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा, गधा, खा खा के सांड हो गया। इसको समझाते क्यों नहीं, शटर खुला नहीं कि गटर चालू पिटेगा। हमको मत सिखा, तेरे सन की भाई को जाके बोल, अगली बार मिला ना तो उसको भगा भगा के मारूंगा। तू जानता नहीं मैं किस खेत का गाजर हूँ, गूगल करके देखना। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। निकल ले बेटा। तुझे भी दांत फाड़ने का बहुत शौक है। इसको क्या मार रहा है, इसको भी मार, इसने भी बोला था, ये भी हंस रहा था, मारेगा ये। ए मेरे पीछे मत आओ, बोला था के चक्कर में मैं भी पिटूंगा, भागो रे। ले अब भूख में मत मार, साथ में हम लोग को भी मारवा, चल चल चुप नहीं रहता क्या? मैं तेरे पीछे भाग रहा हूँ या तू मेरे पीछे भाग रहा है? हम दोनों साथ में भाग रहे हैं। स्पीड किसकी अच्छी है? आपकी अच्छी है। टाइम प्लीज। हाँ टाइम प्लीज, पकड़ा पकड़ी खेल रहा हूँ। अरे गुड्डू राजू आजा, तीन पत्ती खेलते हैं। अभी चार पत्ती लेने जा रहा हूँ। पीछे आ रहा है। क्या हुआ, भागना बंद क्यों किया? भागना तुम्हारा और उसका लफड़ा है, मैं क्यों भागू? वो तो बेवकूफ है, पता नहीं कब अकल आएगी साले को। कुएं में डूब मर। अरे भाग छिलका भाग, ये तो दौड़ा दौड़ा के मारे यार। तो चलो पुलिस स्टेशन। तेरा घर कहाँ है? मेरा घर क्यों उस तरफ? घर जाते जाते मार खाएगा। हाँ? अरे प्रशांत गांधी, ये कौन है? है एक मेरी तरह डैशिंग, तेरी बजाना चाहता है, तुझ जैसे कमकलों को चुन चुन के मारता है और धोता है। अब एकदम सीधा खड़ा रहे। खाले 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 खाले, पीछे 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 पीछे। अरे खा लेना, खाता क्यों नहीं, ले 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 ले। ए, क्या ये? क्या हो गया, खाना खिलाना तो अच्छा होता है। अरे निकल। बढ़िया आई। इसे थोड़ी और बिरयानी दे, मैंने खुद बनाई है। बेटा वेंकटेश, नंदिनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, अच्छे घर के हैं, ठाकुर परिवार के। पहले वो हमारे पड़ोसी थे, किसी चीज की कमी नहीं, वो बहुत पैसे वाले हैं, हमारी नंदिनी खुश रहेगी। ये रिश्ता लाया कौन है? माँ, माँ, माँ खाना दो ना, भूख लगी है। अरे महेश, हाथ मुंह तो कुछ धोया ही नहीं, ऐसे ही खाएगा क्या? ज्यादा बोला तो तुझे खा जाऊंगा बुढ़िया। मोटी कहीं की, लाओ लाओ खाना लाओ। तुझे पता है तेरी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का क्या करता है? वो कुछ तो कुछ ना कुछ करता ही होगा, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। बाबा ने क्या कहा? तेरे बाप को बता के फायदा है, बस हंसता ही रहता है। अच्छे बुरे का फैसला तुम लोग भी कर सकते हो, इसलिए पूछ रही हूं। पहले ये बताओ, ये रिश्ता लाया कौन? ये रिश्ता विजयवाड़ा वाले गए काम से। उनसे ना कह दो, कहो कि हम पर एहसान करने की जरूरत नहीं, भले ही हम उनकी तरह अमीर ना हो फिर भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। उन्होंने तो रिश्ता भेज दिया, पर आप लोगों को तो सोचना चाहिए था, क्या हमें अपनी छोटी बहन की परवाह नहीं है?
जरा एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। जो सुनना था सुन लिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हो सकता है ये लोग सही कह रहे हो। यानी कि मैं गलत हूँ? रिश्ता बनाना पुलिस वाले को मारने जितना आसान नहीं है। ये क्या है माँ, बैठ के बात कर सकते थे, इतना गुस्सा क्यों करते हैं वो? बहुत हो गया, इस रिश्ते की वजह से महाभारत छिड़ गई है। अच्छा ही होगा मैं उन्हें हाथ जोड़कर मना कर दूं। मोटी कहेंगी, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हे भगवान, बेचारा अपनी धोती पकड़ के भाग गया। इधर आ। बात कुछ और ही है, लगता है इसकी धोती में सांप घुस गया था जिसके बारे में वो बताना ही नहीं चाहता। बाबा मैं वापस हैदराबाद जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम है? नहीं कुछ नहीं, बस जाना है। थोड़े दिन और रुक जाता। हाँ ठीक है जाओ। चलता हूँ। वेंकटेश तुम्हें स्टेशन छोड़ने जा रहा है ना? हाँ बाबा। वो जाएगा या मैं चलूँ? वो आ जाएंगे। तुम कहो तो मैं आता हूँ। नहीं भैया आ जाएंगे। मेरा कोच वहां आएगा। हाँ ठीक है। अरे आ जाओ जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलो। कितनी भीड़ आ गई है, लगता है सारा गांव हैदराबाद जा रहा है। आराम से घर पे नहीं बैठ सकते थे लोग? तू भी तो घर पे बैठ सकता था। हमारी भोगी का नंबर S3 है ना? S3 नहीं है, S4 है, जल्दी चलो। क्या स्त्री होकर S3 S4 कर रही है? चल रे बाबा तू चलना। गांव में एक से एक नमूने भरे पड़े। चलता हूँ, ट्रेन का वक्त हो गया। ए, पैसे है ना? हाँ है ना। इधर देख शर्मा मत, झूठ बोल रहा है। ले पैसे रख। नहीं रख रख, कहाँ ना है। चल जा। कितनी बार बोला है किसी पढ़े लिखे को साथ में लेके आने करे बाबा, अभी तक बोगी नहीं मिली। पहुंच के फोन करना। दस साल हो गए मुझे पेरू भेजते हुए, जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ती ये लोग टाटा बाय बाय करते ही रहते। अमरूद लो, अमरूद मीठे अमरूद। मैंने कहा टाटा बाय बाय की, तक कुछ भी बोल रहा है। मीठे अमरूद। अरे तू जाने का मन ही नहीं किया? चल घर चल।
मैंने बोला था ना उसे पंगा मत लेना, ठीक कर दूंगा। एक्सक्यूज मी पापा, ए वही लोग हैं क्या? ये तो वही है। मेरे होते हुए आप किसी और के साथ कैसे जाएंगे? चलिए मेरे साथ आइए। अरे तुम साइकिल पर जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक काम करो तुम जाओ। ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है ये प्रकाश जी के घर आए हैं सीता पिटिया के लिए, आप हमारे साथ रहिए। पता तो आसानी से मिल गया, एक से पूछो तो 50 बताने के लिए तैयार है। भैया भैया आपसे कोई मिलने आया है। पहचाना आपने, हम ट्रेन में मिले थे। ओ कैसे हैं आप, सब ठीक है ना? आज तक आपके बारे में सुना ही था, आज मुलाकात भी हो। आइए आइए। कोई खबर नहीं, फोन नहीं, अचानक आ गए, ऐसे कोई करता है क्या? अचानक में ही तो मजा है। सुनो वहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। तुझे मना करे खुद रामायण सुनाने बैठ जाएंगी। बेटा सुन, ये लुक ठीक तो है ना? बेटा महेश, लड़का तुझे पसंद तो आया ना? सुपर्ब। सब मन बना चुके हैं तो ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। तुम्हें गाना गाना तो आता है ना? क्योंकि मेरे घर में सब बेसुरा गाते हैं, खासकर मेरी माँ। गाने का तो पता नहीं पर खाना बहुत अच्छा बनाती है, अगर एक बार भी खा लिया ना तो सच कहता हूँ उंगलियां चढ़ते रह जाओगे, तो क्या बोलते हो? ये लीजिए, हाथ फैलाइए, लीजिए आप भी लीजिए, ये लीजिए प्रसाद। बहन जी पहले प्रसाद दे लीजिए, बातें बाद में करना। क्या आपकी वजह से मुझे यहाँ उम्र भर इंतजार करना पड़ेगा? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? इस एरिया का MLA। अगर मंदिर में इतना टाइम लगा दूंगा तो अपनी जनता की सेवा कब करूंगा? चलो कॉल करो, मीडिया को बुलाओ, मुझे एक घंटा इंतजार करवाने की आपने हिम्मत कैसे की? रजमान नाराज मत होइए, आज भक्त कुछ ज्यादा ही है, आप बैठिए मैं अभी बुलाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा इंतजार मत करवाना। देख के हंस क्यों रहे हो? तुम मुझे जानते हो क्या? आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। अभी अभी मैंने आपको वहाँ पंडित जी के साथ बहस करते हुए देखा। आपको बहस करता देख मुझे ये ख्याल आया कि 4 दिन की जिंदगी में लड़ने झगड़ने से आखिर क्या फायदा? आप ही बताइए, मिलजुल कर रहने में ही हमारी और हमारे देश की भलाई है। आज आप जिस मकाम पर हैं जरा सोचिए, वहाँ पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, आज आपकी समाज में कितनी इज्जत है, कभी सोचा है आपने? असली प्रॉब्लम तो इस सिस्टम में है, कोई नहीं सुधार सकता इन्हें। वो सिस्टम तो हम ही लोग बनाते हैं ना, देखिए अगर हम अपने फर्ज को ठीक तरीके से निभाएं तो सिस्टम तो अच्छा हो ही जाएगा। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे। देखिए आम आदमी तो चैन से जिंदगी बिताना चाहता है, उसके पास इतना समय कहाँ है कि वो हर किसी से झगड़ा करता रहे। लीजिए प्रसाद, लीजिए लीजिए ना प्रसाद। आप कहाँ से आए हैं? जी वो मैं बहुत दूर से आया हूँ, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, इसे राम जी के चरणों में रखने आया था। क्या है जब भी यहाँ पर आता हूँ तो लगता है राम सीता मेरे साथ ही घर जा रहे हैं। आप ही बताइए इनके अलावा मेरा कौन है? मुझे दीजिए, मैं कार्ड उनके चरणों में चढ़ा देता हूँ।
विजयवाड़ा होता ना तो मैं खुद कुछ नहीं करता, सारे काम नौकरों से करवाता। महेश वेंकटेश कहाँ है? अरे वहाँ क्या कर रहा है? किधर आ? देखो हम लड़की वाले हैं, हमें मेहमानों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। हाँ। सब लोगों का मुस्कुराकर स्वागत करना है। एक काम करो, तुम बाहर गेट के पास जाकर खड़े रहो, देखना। हाँ। कोई भी मेहमान छूट न जाए। विजयवाड़ा वाले आ गए तो नहीं, पर मैं अभी जाके देखता हूँ। और महेश तुम दूसरे वाले गेट पे खड़े रहना, वहाँ से जो लोग आए उनका स्वागत तुम करोगे। स्वागत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। प्रकाश जी नमस्कार। प्रकाश जी अरे 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 कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। ये शर्मा जी हैं, पहले यहीं रहते थे, अब हैदराबाद शिफ्ट हो गए। भाई शर्मा जी ये वेंकटेश और ये महेश। क्या बेटा क्या हो रहा है आजकल? पहले हैदराबाद में थे लेकिन अब नौकरी छोड़ दी। हैदराबाद आ जाओ बेटा, मेरी काफी जान पहचान है, एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा। तुम्हारे पिता मेरे बचपन के दोस्त हैं, इसे भेज दो मेरे पास। इस उम्र में खाली बैठना ठीक नहीं है। मैं हूँ ना, संभालूंगा। आइए आइए अंदर आइए, जाओ इन्हें अंदर ले जाओ। आइए चलो तुम मेरे साथ, तुम बाहर वाले गेट पर जाओ। आओ बेटा महेश। हाँ कहाँ काम करते हो? हैदराबाद। हैदराबाद में कहाँ? जहाँ चाहूँ वहाँ। आइए स्मार्ट हो। अरे वेंकटेश आजकल क्या कर रहे हो? आइए। वेंकटेश आजकल क्या कर रहे हो? इतने दिन बाद देखा तुम्हें। बेटा अच्छे हो ना, आजकल क्या कर रहे हो? अंकल इस समय तो मैं छुट्टी पर हूँ और आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ खाना जरूर खा के जाइए। जाओ जाओ खाना खाने के लिए सीट पकड़ लो। बात करता है, ये भी कोई काम है क्या? और नहीं तो क्या? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जाइए बहन जी बाई तरफ। तैयारी तो बस ठीक ठाक है। लोन लिया होगा और क्या। ए, वो कुर्सी वहां रख दो। ये स्वागत के लिए खड़ा है या लोगों को भगाने के लिए? भगाने के लिए तो खड़ा है ताकि इनका खाना बच जाए। भास्कर तो यहाँ पहले से ही जमा हुआ है। गए समझिए छा गए, जब तक आप नहीं आए थे लगता था शादी हो ही नहीं रही है। बेटी बड़ी दुबली लग रही हो, यहाँ पेट भर के खाना। आइए आइए। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? शादी का इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है, क्या बात है। आप आए इसलिए रौनक है, आइए ना। जरा इसके तेवर तो देखो, पैसों का बहुत घमंड है इसे। घर की चाबी कहाँ है? मैं चाबी वाला लगता हूँ। सीता सीता कैसी है मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं बस अभी आई। अरे बेटा महेश। हाँ? बुआ जी को बुला के ला। अरे महेश मेरी बेटी से शादी करेगा? अरे नहीं, बहुत पढ़ी लिखी है वो। मैं इसकी शादी अपनी ननद की देवरानी की बेटी से कराऊंगी। मेरी बेटी होती तो मैं इनकी सास बन जाती। आप यहीं रुकिए, मैं नहीं आता। जब माएं इतनी डेंजरस हैं, इनकी बेटियां तो चुड़ैल होंगी। एक काम करो, सभी लड़कियों की शादी उसे करवा दो। लगता है इसने नंबर लगाया हुआ है। महेश महेश। भाव बहुत खा रहे हो आजकल, सारी अकड़ निकाल दूंगी। अरे गणपत राव। ये कौन है? है कोई मुझ जैसा ही बेबस, उसकी भी हालत ऐसी ही है। वो भी मेरी तरह सोच रहा है कि कहीं हम दोनों को कोई अकेला देख ना ले। हमारी शादी भी ऐसी ही किसी खुली जगह होगी ना, अगर शादी में बारिश हो गई तो छाता लेकर फेरे कर लेंगे। हाँ पूरी कहानी सुनेगा, चल जा। तुम जरा 5 मिनट रुको, मैं जाकर 15 मिनट में आता हूँ। खा रहा है या खिला रहा है? दोनों। चल जा। सीता के बारे में कुछ सोचा? लगता है वो लोग उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है, सीता की शादी वेंकटेश से ही होगी, क्या बोलते हो? अरे वो क्या कहते हैं उसे, वो शब्द मुझे तो याद ही नहीं आता। कालाकट्टा ना, तुम चुप रहो। चुप ना, कुछ भी बोलता है। दिमाग में वो शब्द ही नहीं आ रहा है। योग्यता योग्यता, उसके बिना सब बेकार। मतलब उसमें वो है या नहीं है? क्या हुआ? पानी पानी दो। पानी का पानी।
पानी, अरे पानी लाओ जल्दी। अरे भाई इन्हें पानी दो वरना ये मर सकते हैं। पूरा ग्लास भर के तो लाना था ना, हमेशा आधा काम करता है। आधा काम करने वाला आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी सुंदर जगह पे शादी करके क्या फायदा, अगर मेहमान की खातिरदारी ठीक से ना हो, उधर खाना भी आधा ही परोस रहे हो क्या? तुम लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। बड़े आए शादी करने। चुपचाप खाना खाओ और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दो। जानता हूँ तुम यहाँ शादी बिगाड़ने की नियत से आए हो। आधा अधूरा आधा अधूरा, कम से कम तुम्हारी तरह फेंकते तो नहीं है। बेटा इनकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? मैंने तो वही कहा जो सच है, और सच सुनना सबके बस की बात नहीं। बेचारी सीता की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हाँ अगर इसके पास कुछ काम धंधा होता तो मैं सोचता कि सीता की शादी इससे कर दूं। क्या मैंने तुमसे कभी ये कहा कि सीता की शादी मुझसे करवाओ? कहा मैंने? बोलिए। अरे क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। शादी ब्याह में ऐसा होता है? सीता से तुम्हारी शादी हो गई तो ये भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। सीता से शादी कर लो बेटा, हम सब लोग यहाँ तुम्हारी ही बात कर रहे थे। चलो चलो चलो। अरे छोड़िए चाचा जी, हमेशा हमें नीचा दिखाते रहते हैं। ये हमारे बारे में जानते ही क्या है? हमने कभी मदद मांगी इनसे? फिर से कुछ कहा तो चुप नहीं बैठूंगा मैं। मेरी बेटी के कहने पर ही तुम्हारी बहन को इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अरे इन लोगों को मेरे पैर धोकर मेरा जिंदगी भर एहसान मानना चाहिए, लेकिन इनके पास ना तो संस्कार है ना औकात। अरे वेंकटेश, तुझे पता है ना ये मुहूर्त का समय है? और मैं क्या तुम्हारे मुहूर्त, जिसको देखो मुझे समझाने लगता है। हुआ क्या? अरे महेश इधर आ। वेंकटेश कहाँ गया? शायद किसी काम में लगे होंगे। जा पहले तो उसे बुला के ला, बोल बहन को आशीर्वाद दे, जल्दी जा। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर सब आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए, क्या हुआ? अब क्या हो गया इन्हें? मूड इतना खराब क्यों है? चलिए। बस यूं ही खराब है। मतलब खराब क्यों है? अब खराब है तो है। आप शादी से सहमत नहीं थे इसलिए नाराज हो? बताओ गुस्सा किस पे है? माँ पे है, बाबा पे है, या फिर मुझ पे? शादी हो रही है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात क्या है? आज के बाद विजयवाड़ा वालों से ना तो हम बात करेंगे और ना ही हम उनके घर जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा उनसे। उन्होंने कुछ कहा क्या? मैं जाके बात करूं उनकी? तो भैया क्या कहा उन्होंने बताइए ना। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। और जाओ उनकी शादी में, गृह प्रवेश में। उनको लग रहा है कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। ये शादी किसकी है? हमारी बहन की शादी है, हमारी सगी बहन। मैं नहीं जानता ये, मुझे इस बात का एहसास नहीं है। हर अरे गहरे के आगे मैं अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, सुधर जाइए। हमेशा जिद पकड़ के रहते हैं। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अगर तुम सबको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। आप चले जाओगे तो हम खुश रहेंगे ना, कहीं नहीं जाओगे। कितनी धमकियां देते हैं। जब तक जिंदा हूँ आपके साथ रहूंगा, आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता मैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चाची तुम दोनों को बुला रही है। अरे आशीर्वाद देना है। ठीक है, बाद में आ जाना। चलिए जो हुआ भूल जाइए। तू जा। भैया प्लीज जाना, यही तो आपकी प्रॉब्लम है, समझते ही नहीं है। हमारे बीच चाहे जो भी हो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। अब चलिए भैया। ए, मैंने कहा ना कि तू अंदर जा, ये ड्रामा अंदर जाके बाकियों के सामने कर जा।
इसको उठा के बाहर रखो, वहां ले जाओ। कल हम लोग रख देंगे, आप घर जाओ ना। प्रकाश भाई, बचा हुआ खाना मैंने गरीबों में बांटने को बोल दिया है, और कोई काम हो तो बता देना। अरे विपिन, क्या कर रहा है? चल जल्दी आ यहाँ पे। अरे रे, कादर भाई, कब आए तुम? भाई कल शादी में आपकी कमी बहुत महसूस हुई हमें। अरे भैया, मैं शादी में नहीं आ पाया, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं जियारत के लिए गया था। यकीन मानिए, वहाँ भी मैंने नंदिनी बिटिया के अच्छे जीवन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। बहुत शुक्रिया कादर भाई। भाभी जान कहाँ है? वो अंदर होंगी। तुम ठीक हो ना बेटा? नाश्ता कर लीजिएगा। जी जरूर। इधर आ। शादी अच्छे से हो गई? हाँ, बढ़िया हुई। किसी चीज की कमी तो नहीं हुई ना? सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। भाई, तुम्हारी बहन के ससुराल वालों का फोन आया था, वो माता के मंदिर जाना चाहते हैं। वीना और मैं जरा काम से जा रहे हैं, तुम दोनों उनके साथ चले जाओ। हैं? अगर तुम दोनों उनके साथ गए तो तुम्हारी बहन को बहुत अच्छा महसूस होगा। क्यों, ठीक है ना बेटा? हाँ। वेंकटेश कहाँ है? वो अंदर होंगे। मैं जाके उससे कहूँ? नहीं नहीं, मैं कह दूंगा। ठीक है, चल। अरे त्रिलोक भाई, वो कॉन्ट्रैक्टर कब आएगा? तकदीर वाले हैं। नंदिनी को इतना अच्छा रिश्ता मिला, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कैसी बात कर रहे हो, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम लोगों की अच्छी परवरिश की है, ये उसी का असर है। एक बात बताऊं, शादी के दिन मंडप में तुम दोनों भाइयों ने सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम लखन की जैसी है। हाँ, आ रहा हूं। हाँ भैया। ए, आवाज आ रही है भैया, बोलिए। तू? मैं क्या? तू भी मुझे गलत समझता है क्या? क्या मैं इतना बुरा हूं? भैया कहाँ हैं आप? रुकिए, मैं आ रहा हूं। खाना खा लिया? नहीं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो जाके खा ले। ब्रश करो माँ। खा चुपचाप, आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने, ले थोड़ी। बस बस, पता नहीं कितने दिन बाद आएगा। ए, इतना कम क्यों खा रहा है? तुझे कम पड़ जाएगा ना, मेरी बैग पैक कर। बेटी सीता, ज्यादा कपड़े मत भर। बस माँ,
उस दिन भी सिर्फ स्टेशन जाकर लौट आया था, आज भी इरादा नहीं है। इस बार जरूर कोई नौकरी ढूंढ लेना, ऐसा कब तक चलेगा? महेश, वेंकटेश को भी अपने साथ ले जा, यहाँ रहकर वक्त की बर्बादी करेगा। शर्मा जी ने उसके लिए एक नौकरी देख रखी है, कुछ काम धंधा करेगा तो हम लोग उसके लिए भी अच्छी लड़की देखकर शादी कर देंगे। तू उसे अपने साथ ही ले जा। सीता, वेंकटेश को भी खाना दे दे। अरे थोड़ा और लेना। हो गया माँ। वेंकटेश तू भी खा ले। तू क्या कर रहा है, बैठे बैठे इनकी फालतू बातें सुन रहा है? जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। और हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा, जब देखो सिखाते रहते हैं। क्या टाइमिंग है ना। वहां जाके भूल मत जाना, फोन करते रहना और मेरी बेटी को अच्छी तरह संभालना। हाँ, तुम जरा भी फिक्र मत करो दीदी। ऐसी बातें सुनकर अजीब लगता है ना, शादी का नया नया नशा उतरेगा तो सिर्फ घर वालों को फोन करेगा। आप भी चलिए ना भैया, दोनों साथ में नौकरी करेंगे। माँ ने जो कहा वो सही तो है। तेरे पास पैसे हैं? हाँ है। बड़े भाई से झूठ बोलता है, चलिए ले। भैया है कहाँ? मैंने कहा रख। यात्रियों से निवेदन है कि वे चलती ट्रेन पकड़ने का प्रयास ना करें। जा। कितनी भीड़ है अंदर, कहीं बैठने की भी जगह नहीं है। पहुँचने के बाद फोन कर देना। हाँ कर दूंगा, आप एक बार फिर से सोचिए। क्या सोचना है? वही जो मैंने कहा था। हाँ सोचूंगा। सोचना क्या है, अभी साथ चलिए। अभी तेरे साथ चलूं? अभी चलोगे? तू जाता है मैं चलूं। आप बिना भैया आ जाइए। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है पर साली नौकरी नहीं मिलती। वो देख तेरा भाई आ गया, दिखने में क्या मस्त दिखता है ना, लगता है रोज सुबह जिम जाना नहीं भूलता। लेकिन एक कमी है उसमें, बात बात में फटने लग जाता है, ऐसे ही रहा तो लड़की नहीं मिलने वाली। फिर वही बात, जितना छोकरी छोकरी करते हो उतना नौकरी नौकरी करते, तो आज बाप के पॉकेट मनी पे गुजारा नहीं करना पड़ता। दरा हट। ए, ये महेश हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है ना, अब देख इसकी वाट लगाता हूँ। महेश जरा सिगरेट देना। अरे सोच क्या रहा है, जल्दी देना यार। देख इसको गुस्सा मत दिला, नहीं तो ये सिगरेट के फिर से टुकड़े टुकड़े करके सबको बांट देगा। कोई ढंग की चीज भी कर लिया करो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शहर भेजा है और तुम यहाँ अपने फेफड़े जला रहे हो। हेलो महेश। हेलो महेश। हेलो, सिग्नल कट रहा है। हेलो जानू, क्या हुआ मेरी जान, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? थोड़ी देर में नेकलेस रोड पे मिले क्या? ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगे, उसके बाद गर्मा गर्म भुट्टा मसाला लगा हुआ। तुम हैदराबाद में हो? तुम्हें ये अभी पता चला क्या? अब तक तुमने मुझसे मिलने की बात क्यों नहीं की? बात नहीं करूंगी। बाप रे। उस दिन भी मैं तुमसे मिलने की ही बात कर रही थी और तुमने फोन काट दिया। आज भी काटूंगा। कौन था? रॉन्ग नंबर, आजकल रॉन्ग नंबर बहुत आ रहे हैं। बैठे बैठे अकेली खा रही है। अरे उसे भी देना, कूली है क्या वो? तुम बताओ अचानक हैदराबाद कैसे आना हुआ? दीदी आज रात को अमेरिका से आ रही हैं, हम उन्हें लेने आए हैं, सब लोग आए हैं। मैंने तुम्हें जीजा जी के बारे में नहीं बताया ना? सुपर, तुमने उन्हें शादी में देखा था? बहुत क्यूट है वो। सर केवल गुलाटी मार सकते हैं? मैं जब भी किसी दूसरे आदमी की तारीफ करती हूँ तुम्हारे तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे वो मेरे जीजा जी हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो महेश? अरे मैं तो तुम्हारी ही हूँ। हाँ, पर ये दूर से भी बता सकती हो ना? तुम ऐसा क्यों करते हो महेश? तुम ही तो हो जिस पर मैं अपना हक जमा सकती हूँ। जरा एक मिनट प्लीज। एक था देवदास, उसके बाद वो मजनू और मिस्टर रोमियो। इनकी लव स्टोरीज ने इन्हें इतिहास में अमर कर दिया, खुद चले गए हमें फंसा दिया। इनकी बेटर हाफ भी कुछ कम नहीं थी, लैला हीर जूलियट। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने कहा कि प्यार में जान दे दो तो ही कुछ बात बनेगी। तुमने मेरी जान तो नहीं मांगी, इसलिए चलो जो चाहती हो दे देता हूँ। यहाँ आ जाओ और करीब, इनकी फिक्र मत करो, तुम लोग दोनों लगे रहो। अब क्या? तुम बताओ। तुम बताओ। अब बताओ ना। जगह ठीक नहीं है, अकेले होते तो बता देता। हेलो, क्या बोल रहा है यार, आवाज नहीं आ रही है। बात करो। लिफ्ट में था यार, अब लिफ्ट से निकल गया हूँ, बोल। अब देख, अब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है। अरे तू देखते जा, दोपहर तक इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। काश ऐसा हो। 30 साल का एक्सपीरियंस है। सर। हाँ बोल। आपके गांव से कोई लड़का आया है, बोल रहे हैं आप उसको नौकरी देंगे। अच्छा वो आ गया। हाँ। उसको ठंडा गरम कुछ पिला, मैं अब भी काम निपटा के आता हूँ। ये देख भाव चढ़ गया। सर बोल रहे, 2 मिनट बैठो। अच्छा ये वाला ओपन कर तो। ये भाव रहा तो हमारी निकल पड़ेगी। अरे देख, वो पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा है, उसको अंदर लाऊं क्या? अरे बाबा देख नहीं रहा है, कितने काम में उलझे पड़े हम लोग। उसको बोल थोड़ा इंतजार करे, मैं अभी आ रहा हूँ। एक काम कर, ये वाला भी ओपन कर। टाइम क्या हुआ है? 2 बजे हैं। आज गाजर का हलवा खाते हुए अचानक मुझे वेंकटेश की याद आ गई, पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। अब तेरी चाल। चाहे जहाँ भी हो टाइम पर खाना खा ही लेंगे, अगर खाना नहीं मिला तो समझो भेजा गरम। 10 मिनट रुक, देख मार्केट और चढ़ेगा। अगर आज मेरा लॉस हुआ तो तेरे को छोड़ने नहीं वाला मैं। देख थोड़ा सा भाव चढ़ा ना, एक काम कर इस पे 15 और लगा दे। मान गया तुझे। सर सुबह से शाम हो गई है, अभी तो बुला लो। अरे देख वो मेरे गांव वाला है, वो बुरा मानने वालों में से नहीं है। 5 मिनट और, 5 मिनट और, चल जाना। क्या है? ए, कहाँ है वो जिसने मुझे नौकरी देने के लिए बुलाया था? किधर है वो? तू ही है ना, गांव में ढींगे मार के लोगों पे इंप्रेशन झाड़ते हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? मैंने कोई मदद मांगी थी, आ जाते हैं दिखाने के लिए, न जाने कितने और लोगों को उल्लू बनाया होगा तुमने। जिंदगी अजीब है ना भैया, हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। नौकरी नहीं मिली, उन्हें लगता है कि मिलेगी। यहाँ के लोग, ये भीड़ भाड़, अपने घर की बात ही अलग है। घर जाने का बहुत मन कर रहा है। ये नहीं तो कोई और सही, हजारों नौकरियां हैं, कोशिश तो कीजिए। कितने ही कोशिश तो की, सब साले मतलब ही हैं, किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। मुझसे ये सब नहीं संभलता, यहाँ रह के अंदर से मानो एक अजीब सी जुबान होती है। याद है जब हम स्कूल जाते थे और मैं आपके पीछे लग जाता था, आप मुझे लिए बिना नहीं जाते थे और मैं आपका हाथ पकड़ता था। कुछ सालों बाद पल्लवी, जयंती, मानसी, श्वेता, हाँ वो भी, मुझे डर था आप कहीं बाबा और माँ को ना बता दें। मैं भी कहाँ कहाँ चला जाता था, समंदर में, सर्कस देखने, थिएटर में, बाबा माँ दादी, क्या क्या संभालना पड़ता था आपको। ए, अचानक आज ये सब क्यों याद कर रहे हैं? आपने कहा था ना आपसे संभलता नहीं है, भूल गए क्या? आगे जिंदगी और मुश्किल होगी, हमारी शादी होगी, घर में बीवियां आएंगी, दोनों बिल्लियों की तरह झगड़ा करेंगी। उसके बाद बच्चे होंगे, मम्मी डैडी, होमवर्क, स्कूल, बुक्स, पेंसिल। आज हंस रहे हैं वैसे कल भी हंसना होगा, क्यों? तू और तेरे ख्याली पुलाव। हेलो। हेलो बेटा, ठीक हो ना?
वेंकटेश कहाँ है? उसकी नौकरी का कुछ हुआ क्या? खुद ही पूछ लीजिए। कौन है? माँ है, बात कीजिए। नहीं नहीं, तू ही बात कर। एक सेकंड माँ, वो बात करेंगे। अरे क्या लड़का है? वेंकटेश, खाना खाया? वक्त पर खाता है ना? हाँ। टाइम पर खा लिया कर बेटा। हाँ। तुझे मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना, भिजवा दो किसी के हाथ। ये नहीं सुधरेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। यहाँ जॉब लग गई तो मजा आ जाएगा, अंदर स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग करेगा, नौकरी करेगा। क्या लड़कियां हैं, पैरों के नीचे कुतुब मीनार लगाती है। ए महेश, तुम यहाँ? डार्लिंग, मैं लॉबी में वेट कर रहा हूँ, बात करके आ जाना। वही हो ना जिसकी रातों की नींद किसी हैंडसम ने उड़ा रखी थी। मैंने यहाँ भी पीछा करते हुए आ गई। बॉयफ्रेंड काम करता है या कैंटीन चलाता है? तुमने मुझसे गजरा लगाने की बात की थी ना, उसकी पूरी फूलों की दुकान है, रोज नए फूल लगाता है। माय वुड बी। जाओ वरना याद में सूख जाएगा। जो लड़कियां मुझे पसंद थी या जिन्हें मैं पसंद था, उन्हें जब मैं ऐसे नमूने लड़कों के साथ देखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ धक्का। चलो बड़ा वाला, अपना नंबर आ गया। चलो माँ जी, सुना आपने, राजेंद्र प्रसाद की बहू है ना, वो अपने दहेज में बहुत सारा सामान लाई है, टीवी फ्रिज भी लेकर आई है। लाई तो है पर सब सेकंड हैंड है। तू चुप कर, जब देखो यहाँ वहाँ की चुगली। चुगली किए बिना खाना हजम नहीं होता, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैंने इसे क्या बोला, सच्ची तो बताया है। दादी माँ, आप पोते की शादी में क्या क्या लोगे? तू चुप रहे कांता भाई, जब वक्त आएगा ना तेरी राय ले लेंगे। चाची एक बात बताइए, अगर मेरी शादी आपके बेटे से हुई तो आप जैसे अभी पेश आती हैं वैसे ही पेश आएंगी, या फिर खड़ूस सास बनकर मुझ पर रोब झाड़ती रहेंगी? जो मन में आता है बोल देती है, शर्म नहीं आती तुझे? बिल्कुल नहीं, सास से शर्म कैसी। सर्विस बहुत लेट है यहाँ की। कितना वेट करवाते हो, इसलिए इन्हें वेटर कहते हैं। हमारे बिल से नया होटल खोल सकते हैं। इसलिए पेट भर के खाना, बिल्कुल शर्माना मत। पानी कितना गंदा है ना। कुछ भी मत बोलो, ये बड़ी होटल है, चुपचाप पी लो। बड़ी होटल है? हमको तो नहीं पता था, सच में नहीं पता था। शालिनी इधर आओ, क्या कर रही हो वहाँ पे? आती हूँ। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं खुद श्योर होने के बाद ही बताना चाहती थी। अब वो लाइन पर आ गया है, इसीलिए बता दिया। पापा और प्रकाश अंकल में तो जमती ही नहीं है, तो तू ये बात आगे कैसे बढ़ाएगी? एक काम कर, उसे बुला ले, मैं बात करूंगी। मैं पहले ही बुला चुकी हूँ। सच में? कब? अभी। ओए अम्मा। पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं उसे शौक देना चाहती हूँ। ए, अगर भैया ने कुछ पूछा तो कुछ मत बताना। वो क्या पूछेगा और तू कौन सा सच बोलेगा, दोनों भाई एक जैसे। एक मिनट रुको। तुम यहाँ भी आओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? चलो चलो। ओ तेरी, सबके सब यहाँ है। अच्छा फसाया गीता तुमने। आइसक्रीम खाओगे बाद में? देखो देखो कौन आया है। कौन है? अरे बेटा महेश। मम्मी पापा ठीक है ना? आओ आओ, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। दीदी आओ। अजय, ये प्रकाश भैया का बेटा है। अरे इतना बड़ा हो गया? वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक कहाँ, इन्हें तो दीदी ने इनवाइट किया है। तुम्हें भी तो पता है ना। बैठो बेटा, तुम लोग जरा वहाँ चले जाओ। बैठो। कम से। आ जाओ। हम्म?
खाना खा लो। कहाँ फंस गया रे? तो आजकल क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो या बेकार हो? इन्हें देखो, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर और वो बिजनेसमैन। अब तुम क्या करते हो बताओगे? ये सुबह 9 बजे ऑफिस जाते होंगे, शाम को 5 बजे घर आते होंगे, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, टीवी देखते वक्त ये फैसला नहीं कर पाते कि न्यूज देखूं या क्रिकेट मैच, पत्नी अकेली खाना पकाती है और ये सिगरेट पीते हुए सारे घर में एस्ट्रे ढूंढते रहते हैं। तुम लोग क्या घर में अपने माँ बाप से ऐसे ही बात करते हो क्या? जरा भी बात करने की तमीज नहीं है हाँ? और तो और, घर में कमाने की और खाने की अच्छी परंपराएं तो है नहीं, बगैर कमा के इन लोगों का कैसे चल जाता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं लिख के देता हूँ, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसकी अकड़ देखी है? और इसका बड़ा भाई, शादी के दिन तो पखेड़ा खड़ा कर दिया उसने एक ग्लास पानी के लिए। अरे वेटर, अरे टमाटर का सूप पिलाओ इसे। बिल की चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा भाई, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। उस दिन अगर पता होता उनका मूड आपकी वजह से बिगड़ा है तो नतीजा बहुत बुरा होता। अच्छा चल बता, तू मेरा क्या कर लेता? अरे मैं इन लोगों को सुधरने के लिए कह रहा हूँ, नहीं सुधरना है तो मत सुधरो, उसमें मेरा क्या जाता है? हैं? आज तक मेरे बाबा ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप जैसे किसी की बात मैं क्यों सुनूं? आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन तमीज नहीं। वैसे भी इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, समझे? मेरे परिवार को कुछ कहा ना तो एक एक की टांगे काट के हाथ में दे दूंगा। मैंने क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा कितना अच्छा इंप्रेशन बनाया था लेकिन तुमने तो... चुप करो गीता, ना तुम्हारे बाप को बोलने की अकल है ना बात करने की तमीज। गुस्से में तो जानलेवा लगते हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जान दे दूं। जानू, रेड कलर की शर्ट तो तुम्हारे चेहरे के रंग से मैच करती। बाप की तरह सिर्फ बाहरी चीजों पर ही ध्यान देती हो तुम। हाँ? यही सिखाया उन्होंने? ज्यादातर चीजें मैंने अपनी मॉम से सीखी है। बाप क्या करता था? वो तो काम में बिजी रहते थे। चुप कर, चुप। ये क्या है? एक खींच के दूंगा ना सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हो गया ड्रामा शुरू। मैं समझ गया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। देखो, प्यार तो मुझसे करते हो, मेरे डैड को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम हंसते खेलते ही अच्छे लगते हो, अब मुंह ठीक कर लो ना जानू। लोगों के जज्बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लगता है सारा परिवार एक जैसा है। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तो कूदो, मेरा मॉल थोड़ी है। महेश बताओ कहाँ से कूदूं? यहाँ से कूद जाओ। उससे प्यार नहीं करता, बस हल्की फुल्की पहचान है। प्यार का मतलब होता है साथ में घूमना, आई लव यू कहना, फोन पर घंटों बातें करना। लगता है नंबर चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त फोन क्यों किया? क्यों, फिर कब करना था? अरे 11 बजे तो क्या हुआ, रात है, अंधेरा है, अंधेरे से डर लगता है, बाय। हे रुको रुको रुको, मैंने फोन नहीं लगाया, मेरे फोन ने फोन लगाया। क्या करूं इसका, यहाँ हालत खराब है और ये पीछे मार रही है।
भैया कहाँ गए? भैया कहाँ हो आप? मैं टेरेस पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी ऊपर आइए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं घर जा रहा हूँ। घर क्यों? मेरी बात तो सुनिए भैया। जिसको जो करना है करता है, बस मैं नहीं कर सकता। मतलब ही कहेंगे मैंने क्या किया है? किसी का खून किया है? बात किए बिना चले गए? बड़े भैया हैं तो क्या, छोटे की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है? 7,000 का फटका लग जाएगा। वेंकटेश वापस आ गया, पता नहीं क्या हुआ। कुछ बताया? क्यों, महेश से पूछ के देखो। पूछा। आप भी ना कभी सही जवाब नहीं देते हो, जब भी पूछो ना बस टाल देते हो। वो दोनों अब अपना ख्याल रख सकते हैं। काश ये सच होता। ये तो भगवान की कृपा है कि नंदिनी की शादी निपट गई। अरे सुनो, अरे नंदिनी की शादी से मुझे याद आया, क्यों ना मैं विजयवाड़ा उन लोगों के घर हुआ हूं। उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से आई हुई है और नंदिनी का रिश्ता उसी ने तो तय करवाया था। देखो मेरी बात सुनो, उससे यही कहूंगा कि तुमने बहुत बड़ा एहसान किया उनके फेरे लगवा के, शादी करवा के। ठीक कह रहा हूं ना? सुनो एक काम करो, बेसन के लड्डू बना देना, उनके लिए लेता जाऊंगा। सीता बारिश आने वाली है, कपड़े उतार ले। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? अरे भगवान जी मेरी फोटो ले रहे हैं, मुझे पोज तो देना पड़ेगा ना। दिमाग खराब हो गया इसका। ए रुको रुको रुको, अब कहाँ से फोटो लेंगे बताओ। हाँ यहाँ से। क्या है? वहाँ देखो ना। क्या है? बस एक फोटो। एक और एक और। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बिल्कुल हीरो की तरह दिखता है। और एक बात बता दूं, घर बैठे बैठे ऐसा रिश्ता सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने तो उन्हें बोल दिया है कि भाई मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से ना का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सेटल होना है तो ऐसे लोगों का हाथ थामना पड़ता है जो जिंदगी में ऑलरेडी सेट हैं। रुको, कहां जा रही हो? देखो एक बार अगर तुमने इस अमीर घराने से आए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया तो मैरिज ब्यूरो में पोर्टफोलियो देने से भी कुछ नहीं होगा। चाहे तो कुछ भी कर ले, कोमल के लिए 1,000 लड़के ढूंढ ले। सीता की शादी से पहले मैं और कोई शादी नहीं देखना चाहती। अरे उस बच्ची को तो जैसे हम सब एकदम से भूल ही गए हैं। बस अब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या बात कर रही हो अम्मा? अम्मा भैया ने सीता के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। अच्छा सोचा तो... होगा क्या सोचा होगा? ये सोचते सोचते मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम लोगों को कोई परवाह है? जो भी हो मैं अभी तुम लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए। आखिर उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे तो खाली अपनी बेटी नजर आती है बस। कभी सीता के बारे में सोचा तूने? नमस्ते रमन जी, क्या टाइमिंग है? सब ठीक है ना? ये लो बेटा, तुम्हारी आंटी ने खास तौर पर ये लड्डू तुम्हारे लिए बनाए। उसने कहा था कि काश इन लड्डुओं की सारी मिठास तुझ में घुल जाए और तेरे होने वाले बच्चे सुंदर और स्वस्थ हों। कैसे है सब? सब ठीक चल रहा है ना? आपको देख के दिल खुश हो गया माँ जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक। कैसी है बेटा? बैठिए ना भैया। हाँ ठीक हूँ। वाह 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 भाई, आप सबको यहाँ एक साथ देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भास्कर राव कैसे हो? बैठो। देखा प्रकाश भाई कितने वक्त पे आ गए, दिल से मांगो तो सब मिलता है। सीता बिटिया की शादी की बात चल रही थी लेकिन रिश्ता गीता का आया है, जबकि माँ जी चाहती हैं कि पहले सीता बिटिया के हाथ पीले हो जाए, और ऐसे में देखिए आप आ गए हैं। शुक्रिया। सीता जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी है, और वो शादी के लायक भी है। आप चाहते होंगे कि उसकी शादी आपके बड़े बेटे वेंकटेश से ही हो,
लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो बेरोजगार है, ये सब तो देखना ही पड़ता है ना। आप भी मेरी तरह सीता के उज्जवल भविष्य के बारे में चिंतित होंगे, और होना भी चाहिए। अगर मैं कमल राव के बेटे से सीता बिटिया की शादी पक्की कर दूं तो इसकी छाती चौड़ी हो जाएगी, पर सीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसका रिश्ता मैं अपने टक्कर के किसी बड़े घराने में ही करना चाहता हूं। सीता के लिए तो हर कोई सिर्फ अच्छा ही सोच सकता है, वो है भी तो ऐसी लाखों में एक। चाची मैं कैसी लग रही हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही है? क्यों, तू क्या शादी के बाद हमारे साथ रहेगी? रिश्ता आया तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है। देखा आपने, लड्डू फूट रहे हैं, पहले कभी ऐसी तैयार हुई थी? चाचा जी ने कहा इसलिए तैयार हुई, और कुछ नहीं। इसकी गलती क्या है, शादी के लायक है। जवान बेटी कोई घर में बिठाता है, उसका घर ससुराली होता है। बात करती है, वेंकटेश लायक होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं चाचा जी क्यों और कैसे इस बात के लिए राजी हो गए। वैसे ये सब करने से पहले उन्हें मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ना। हम बहुत ओपन सोच वाले हैं, टोटली ओपन। हम सारी चीजें ओपनली डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा कम ओपन है। उसे आज भी पुराने जमाने की लड़की पसंद है जो घर संभाल सके। क्या बात करें डैडी, मैं तो आपसे कहीं ज्यादा ओपन हूँ। पूछ लो मम्मी से, वही आपको बताएंगी। क्यों मम्मी, सही कह रहा हूँ ना? मान लिया बेटा, तू भी थोड़ा ओपन। विजयवाड़ा वालों ने क्या रिश्ता भेजा है, ये लोग कुछ ज्यादा ही ओपन है। लगता है घर में कपड़े नहीं पहनते होंगे। अरे कमल राव जरा बातें कम करो और बिटिया को बुलाओ। सीता बिटिया आ जाओ। डैडी शी इज ब्यूटीफुल। अरे सुनो जरा, ये मूछ वाला कौन है? ये इनका बड़ा बेटा है, सीता इसे प्यार करती है। आप ना करेंगे तो शादी इसी से होगी। आप बहुत ओपन है ना, इसलिए सब कुछ ओपनली बता दिया। डैडी जल्दी कीजिए, अब रहा नहीं जाता। मम्मी मुझे लड़की पसंद है। हमारी तरफ से ओके है, डबल ओके। सगाई की फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। 125 रुपए का नारियल हाथ में रखो, लड़के के हाथ में चांदी का सिक्का रखो और बात खत्म। 1 महीने बाद शादी कर सकते हैं, बाकी की बात फोन पर कर लेंगे, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख पक्की करो। इन सब फॉर्मेलिटीज में क्या रखा है? अरे जब मुझे लड़की पसंद है तो इतनी लंबी डेट क्यों? कोई करीब का शुभ मुहूर्त निकालिए। मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुला। ए आई ए, ये सब क्या है? ला। बोलो। सब कहते हैं वो बहुत हैंडसम है, और कहते हैं मेरी जोड़ी भी जमेगी। देखो अगर वो मुझसे रत्ती भर भी अच्छा लगता है ना तो शादी कर लो। अच्छा है ना, कम से कम तुम्हारे बाप से छुटकारा मिल जाएगा। शादी कर लो, रखो। मैं भी एक अच्छी लड़की चुन लूंगा जो मेरे कपड़ों से नहीं मुझसे प्यार करती हो। रखो।
छोड़ यार महेश, मुझे लगता था प्यार का चक्कर चल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है, सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है, पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक बदल देती है, फिर कहती है अरे तुम पहले जैसे नहीं रहे, मोबाइल का बिल बढ़ाओ, रात की नींद गवाओ, मीठी मीठी बातें करो, और फिर क्या फोन करके टाटा बाय बाय कहती है, साथ में अपनी शादी की खुशखबरी सुनाती है। ओए ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने कोई जोक मारा जो तू हंस रहा है? बाबा कैसे हैं माँ? नर्स, ये एक्सरे डॉक्टर कल्पेश को दे देना। ओके सर। वो बिल्कुल ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अगर सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। हो ही नहीं सकता, जो सबका भला सोचता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता। कर भला सो हो भला। ठीक है, मैं चलता हूं। बाबा कौन से वार्ड में हैं? आइए। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? कमाल है, बहुत जल्दी फिट हो गए, देख के अच्छा लगा। नमस्ते भाभी। ओहो कमल राव, तुम भी यहीं पर हो? हाँ जी। आज तुम्हें यहाँ देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। नमस्कार नमस्कार। विजयवाड़ा के लोग कहते हैं आपको जीने का सलीका नहीं आता है। मैं भी पहले यही समझता था, पैसा कमाना जीने का सलीका नहीं होता। अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के किसी और की जिंदगी बचाना, यही तो जीवन का असली सार है। और आज आपने ये बात अच्छी तरह समझा दी। आपने जिस बच्चे को बचाया वो मेरे भाई का बेटा है, वो भी आना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, पहले मैं मिलूंगा, मेरे बाद तुम जाकर फिर अच्छे से मिलना। रोना एक बात है और दिल से रोना अलग बात। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो बस आपके सम्मान में अपना सिर झुका सकता हूं। ये तो बड़प्पन है आपका। अरे महेश, आजकल क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपने भाई से ज्यादा समझदार लगते हो। देर किस बात की है? जल्दी करो वरना जिंदगी आगे निकल जाएगी। हमें वक्त के साथ चलना है, उसके आगे या पीछे नहीं। आपके बड़े बेटे को भी मैंने कुछ नहीं कहा था, हल्की सी नोकझोंक हुई थी और वो चला गया। खैर जो हुआ सो हुआ, अब इसे मेरे पास भेज दो। ये समझो कि इसकी जिम्मेदारी मेरी। माँ, माँ। यहाँ हूँ मैं। माँ,
कल शाम में हैदराबाद के लिए निकल जाऊंगा। कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। रुक जाऊं? लेकिन रुक के करूं क्या, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये बात अपने भाई को भी समझा, इस बार उसे भी ले जा अपने साथ। उम्र निकलती जा रही है और उसे अपने भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो उसके लिए कोई नौकरी ढूंढना और फिर ले जा उसे अपने साथ। आप खुद क्यों नहीं कहती? नहीं कहेंगे, बचपन से देख रहा हूं आप हर बात मुझसे कहती हैं। उनसे पता नहीं सब क्यों डरते हैं। अगर आपने या बाबा ने उनसे कभी पूछा होता कि वो बिना काम के ऐसे क्यों भटकते हैं तो हालात कुछ और होते, वो अब तक सेटल हो गए होते। लेकिन आप नहीं पूछोगे। अपने बेटे से किस बात की शर्म और डर? मुझे बलि का बकरा बनाते हो, मैं किस किस को जवाब देता फिरूं? मेरा भाई है तो आपका भी बेटा है। आखिर तुझे हुआ क्या है, कुछ भी बोले जा रहा है? अगर वो ऐसा ही है तो इसमें मेरा क्या दोष? वो तेरी तरह समझदार नहीं है, अगर होता तो तुझे नहीं बोलना पड़ता, मुझे समझाने चला है। जब देखो बस बड़ी बातें, ये करूंगा वो करूंगा, करता कुछ नहीं है। जब देखो दोस्तों के साथ मटर गश्ती, कभी सोचा है घर वालों पर क्या बीतती है? कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है उसके जवान बेटे घर में बैठे रहे? आज से करूंगा कल से करूंगा यही कहते कहते जिंदगी निकल रही है। कुछ कहो तो मुंह फुला लेते हैं, पता नहीं कब समझेंगे। बताना क्या करूं, हैदराबाद जाने का मन नहीं करता। वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? एक बार गया था और देखा क्या हो गया। मेरी जरूरत वहां नहीं है, मेरी जरूरत यहां इस घर में है। वैसे भी वो शोर भीड़ भाड़ लगता है जैसे किसी कबूतर खाने में हो। तो हमेशा कहता है ना, मारेंगे तो सीधा जैकपॉट। सही कहता है, अब तो वही करेंगे। हर चीज की हद होती है, हद होती है यार। हम इस तरह हमेशा नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ए, तुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए? बताना तुझे क्या लगता है। महेश कुछ तो बोल। ए, बताना। आप मुझसे पहले पैदा हुए थे ना, क्या करना है क्या नहीं आपको नहीं पता? हद होती है, हद होती है। किस चीज की हद होती है आपको भी समझना चाहिए। रिश्ते, जिंदगी, धीरज रखने की भी एक हद होती है। हद होती है, हद होती है। कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते, लेकिन सबसे जवाब की उम्मीद रखते हैं। दिन भर अच्छा क्या है बुरा क्या है सबको राय देते फिरते रहते हैं। बाकी क्या सोचते हैं उसकी परवाह नहीं है। एक मिनट बुरा लगता है, दूसरे मिनट गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर वाले आपसे तंग आकर आत्महत्या जरूर कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तुम क्वालिफाइड भी हो, परसेंटेज भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। बस एक ही कमी है, तुम्हारी ये स्माइल नकली है। एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारी स्माइल रियल नहीं है, योर स्माइल इज फेक। नहीं सर, ऐसे ही स्माइल करता हूं। नो 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 नो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? सी, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। ये ओरिजिनल स्माइल है सर। देखो 200 लोग तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और तुम्हारी स्माइल ही उन्हें इंस्पायर करेगी। ना तुम्हारा ऑर्डर काम आएगा ना तुम्हारा टैलेंट। वी वॉन्ट टू सी दैट स्माइल। फिर से कोशिश करो। नो 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 गॉडविन,
तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे दिल से हंसना नहीं आता, लगता है किसी टेंशन में है। छोड़िए इसे, घर भेज देते हैं। आई थिंक हमें कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढना चाहिए। क्या तुम हंसने की प्रैक्टिस करके फिर से आ सकते हो? अरे कुछ बताओ भाई। जैसा कहो स्माइल करूं, जब कहो उठू बैठू। पैसे लेके गुलामी करने के लिए नौकरी नहीं करनी है मुझे, भाड़ में गई नौकरी। अरे बाबा, यू शुड फेस इट। फेस पे चमाट लगाऊंगा। जो आप कह भी नहीं पाते वो प्रभु स्वयं समझ लेते हैं। चाचा, भद्रांचल चले? कुछ खास बात है क्या? मैंने मन्नत मांगी थी आप ठीक हो जाएंगे तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ। चुप कर, जब सब ठीक होगा तब चलेंगे। चलेंगे तब ठीक होगा। तू क्या सब जानती है? मैं सीता हूँ, सीता सब जानती है। चाचा जी चलिए ना प्लीज। तुम क्या कहती हो? अगर आपकी मर्जी है तो जरूर चलेंगे। मैं जाके दादी को बताती हूँ। अरे सीता। हाँ? इधर आ। बैठ। जाना जरूरी है। बहुत जरूरी। बहुत बहुत जरूरी। अच्छा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। इधर वेंकटेश, वेंकटेश इधर, महेश को साथ ले आओ। महेश, जाते वक्त यहाँ का प्रसाद ले जाना मत भूलना, समझ गए ना? उससे भी कह दे। हाँ। जरा देखो तो। जय श्री राम। अरे सुनिए, नमस्कार, कैसे हैं, सब ठीक है? चाचा जी। अरे विजयवाड़ा वाले, सब ठीक है ना? जी नमस्कार। सीता भी आई है? हाँ देखा मैंने, अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत प्यारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। यहाँ यहाँ। मैं नहीं। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे इंस्पेक्टर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यस सर। वो जो सेकंड रूम में बैठे हैं ना, उनको जरा यहाँ बुला ला। जाओ। ओके सर। अच्छा मैं हो क्या था? सब ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? ठीक है। आ जाओ आ जाओ, तुम भी पकड़ो। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, पकड़ो। तुम तो मेरे दोस्त हो, आओ पकड़ो। आप खुश हो? जी। जय श्री राम। ये लो ये लो, इसे अपने गले में डालो, निकालना मत। हाँ Hey, चल गाड़ी निकाल यहाँ से। मार्केट निकल। हाँ।
चलो। अगर ट्रांसफॉर्मर को बंद कर दिया जाए तो ये सब ठीक हो सकता है। भाई साहब ये रबर की चप्पल पहन के जाइए। तू अपनी जान बचा। फायर ब्रिगेड भेजो। घबराइए मत, बैठिए बैठिए, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, बैठिए। एक मिनट में लोग किस कदर घबरा गए थे, 15 मिनट में तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूं। यही जरूरी है, बाकी सब तो चलता रहता है। जरा उधर देखो, वहां पर बुजदिल, दिलेर, अमीर, गरीब, डॉक्टर, प्यून, हर तरह का इंसान मौजूद है। हर कोई एक ही दुआ मांग रहा है कि भगवान मेरी रक्षा करना। तुम हो सकता है तुम्हें ये सब ड्रामा लगे, लेकिन ये ड्रामा नहीं है। इंसान अच्छे ही होते हैं। इंसान मतलब अच्छा, पर इंसान से कभी कभी गलतियां भी होती हैं। मैंने तुमको क्या दिया? मैंने तुमको कोई धन दौलत दी? सिर्फ तुम्हारी अच्छे से परवरिश की। अच्छे संस्कार ही रहते हैं, बाकी तो सब चला जाता है। इसके अलावा मैं तुम दोनों को आखिर दे भी क्या सकता था। मिलकर रहने में ही सबकी भलाई है, पर तुम दोनों तो बात ही नहीं करते आपस में। सिर्फ इस जन्म के लिए ये तुम्हारा बड़ा भाई है, सिर्फ इसी जन्म के लिए ये तुम्हारा छोटा भाई, और सिर्फ इसी जन्म के लिए मैं तुम्हारा पिता। कल की छोड़ो, हमें तो आज ये पता नहीं है कि हम इस सड़क भी ठीक से पार कर पाएंगे या नहीं। इसलिए जो भी मिलता है उससे मुस्कुरा कर बात करके आगे बढ़ो। अपने लिए ईश्वर से हमें कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगना ही है तो अपने पड़ोसी के लिए मांगो। हे प्रभु, हर इंसान जो अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता है, उसके चेहरे की मुस्कान उससे कभी मत छीनना।
हे भैया, जो कहना है सीधे सीधे कह दीजिए। रिश्ते मेरे पल्ले नहीं पड़ते, हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे हो गया था, दिल पे मत लेना भैया। नहीं रे, हर रोज हर दिन मेरे मन के अंदर एक जंग छिड़ी रहती है। लेकिन जब तूने कहा कि आप मुझसे पहले पैदा हुए थे, आप नहीं जानते आपको क्या करना है, तो वो मुझे नया नहीं, बहुत नया लगा। मेरा तेरे अलावा रहे ही कौन, तू मुझसे छोटा है। तो मुझे लगता था जैसे मैं तुझसे बेझिझक अपने मन की बात कह सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से तेरे अंदर इतना सैलाब उठेगा। तू उस दिन मुझे साफ साफ कहकर बात खत्म कर देता ना। एक बात है भैया, जिंदगी में सभी को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। जब मुझे आप में ये बात नहीं दिखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर आपको यह कहने के बजाय मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया। दरअसल मुझे आपसे कुछ और ही कहना था। आप मुझसे बेहतर हैं, मुझसे कई गुना बेहतर हैं, मुझसे ही नहीं यहां खड़े सबसे बेहतर हैं आप। आपने सही कहा था, मैं बहुत ड्रामा करता हूं, नौटंकी करता हूं, आपके साथ, उस लड़की के साथ, सबके साथ भैया। चुप कर, तू कुछ ऐसा जानता है जो मैं बिल्कुल नहीं जानता। मुझे लोगों से पेश आना नहीं आता और मैं सुधरना भी नहीं चाहता था, जरा सा भी नहीं। मैं तो ये बोलता हूं कि मैं तुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज हूं। बाबा ने सही कहा था, इस जन्म आप मेरे बड़े भैया हैं और मैं आपका छोटा भाई हूं। क्या सिर्फ इसी जन्म के लिए? यही तो पंगा है आपके साथ। जाना चाहते थे ना, मैं पहले ही जानती थी कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। चाचा जी भी जानते थे ये सब, मैंने ही बताया था। तू कैसे जानती थी? मैं सीता हूँ और सीता सब कुछ जानती है। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? मैं उनमें से नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने पति से कहे मेरी सेवा करो, जानू सोना डार्लिंग करके मेरे आगे पीछे घूमते रहो। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं खुश रहूंगी, मैं कभी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। सीता, बताओ ना तो, मुझसे बेहतर कोई दूसरा मिला, ज्यादा हैंडसम? बोलो। तुमने भी तो कहा था ऐसी लड़की मिलेगी जिसके गाल गुलाब से भी लाल होंगे, मिली क्या? तुम्हें पता है तुम डफर लगती हो। तुम भी डफर ही लगते हो,
मैं नहीं बाकी लोग कहते हैं। अरे महेश, इस बार कौन? इस बार मैं ही हूँ। खाना खाया कि नहीं आपने? आपके बारे में गलत सोचकर मैंने अच्छा नहीं किया। आप मामूली नहीं, आप तो महान। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, मैं लेने वाला आप देने वाले। भाई महान तो आप हुए। अरे अरे। आप दोनों महान नहीं है, ऊपर वाला महान है। रुको रुको रुको, पहले अपना नाम बताओ फिर जाओ। अरे बाबा लड़की बोलेगी। नहीं नहीं नहीं, 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 पहले लड़का बोलेगा। कभी ऐसा सुना है तुमने? अब कैसे ना हूँ, कुछ भी बोलो। मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। क्या भैया, भाभी का नाम लो। मैं सीता के साथ हूँ। भैया ने बोल दिया, चलो चलो चलो। अब बहू की बारी है। मेरे ससुर जी के बेटे, मेरे ससुर जी के बेटे, मेरी सासु माँ के बेटे, मेरे देवर जी के भाई, मैं उनकी पत्नी सीता और वो मेरे पति। शर्म आ गई, अब तो तेरी लाइन क्लियर है। और क्या? और क्या, बहुत कुछ है भैया। कोई नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद राम कहानी बता देना। हाँ भैया। पैसे हैं तेरे पास? अरे 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 भैया, मैंने कहा ना पैसे हैं। रख रख रख, हमेशा काम आएंगे, रख ले। इंसानों की इंसानियत ही उन्हें सृष्टि के बाकी जीवों से अलग बनाती है। सांस लेना, सोना, उठना, सिर्फ यही काफी नहीं है। एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत ही हमें महान बनाती है। हर धर्म ये कहता है कि हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। तो अगर इंसान ने इंसान की इज्जत की, उससे प्यार किया, तो समझो इंसान ने भगवान को खुश कर दिया।